हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी नीट. वेलकम टू दिस क्लास सुपर 10 सीरीज इन विच वी आर गोइंग टू कवर द टॉपिक ऑफ मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनल एक्शन. डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हार्मोन्स हैं, हर हार्मोन का अपना एक तरीका है. तो सबसे पहले हार्मोन्स को क्लासिफाई कर लेंगे इनटू टू कैटेगरीज एंड देन वी विल स्टडी व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ देयर हार्मोनल एक्शन. ठीक है, ये टॉपिक किस चैप्टर का है जो बच्चे सोच रहे हैं? ये टॉपिक है बेटा केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, एंडोक्राइन सिस्टम का टॉपिक है. ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले डिवाइड करते हैं हार्मोन्स को इनटू टू कैटेगरीज. किस में डिवाइड करेंगे हार्मोन्स को? इनटू टू कैटेगरीज. ठीक है, सो इफ आई लुक एट हार्मोन्स देन दे आर ऑफ टू टाइप्स, राइट? फर्स्ट कैटेगरी इज लिपिड सॉल्युबल हार्मोन. फर्स्ट वन इज लिपिड सॉल्युबल. And second type of hormones, they are lipid insoluble. Lipid soluble and lipid insoluble. ठीक है, तो lipid soluble में कौन कौन से hormones आते हैं? दो categories आ जाएंगी यहाँ पर. One is iodothyronin. Iodothyronin. That means जिसमें iodine है, thyroxine, कौन से हो जाएंगे? T3 as well as T4. Right. Second आ जाएंगे बेटा steroids. स्टेरॉइड्स खुद में क्या होते हैं? स्टेरॉइड्स देमसेल्स आर डिराइव्ड लिपिड्स. आपने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा है ये चीज. तो स्टेरॉइड्स हु देमसेल्स आर लिपिड्स, दे ऑब्वियसली आर गोइंग टू बी लिपिड सॉल्युबल. लिपिड तो लिपिड में सॉल्युबल ही होगा, है ना. स्टेरॉइड हॉर्मोन्स में आ जाएंगे आपके सेक्स हॉर्मोन्स, देन कॉर्टिकॉइड्स. कॉर्टिकॉइड्स लाइक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ये सब क्या हैं आपके? मिनरलोकॉर्टिकॉइड, सेक्स कॉर्टिकॉइड, ऑल ऑफ देम आर स्टेरॉइडल हॉर्मोन. दे आर डिराइव्ड लिपिड्स, they are derived from the cholesterol and they would be obviously lipid soluble. इसमें तो logic लगता है. Then आता है lipid insoluble. Lipid insoluble में आप क्या आ जाएंगे? Catecholamines. Catecholamines which are biogenic amines. कौन कौन से आपके पास? दो, that is adrenaline and noradrenaline. जब तक आपको ये क्लासिफिकेशन नहीं आता तब तक आप मैकेनिज्म नहीं कर पाओगे. नेक्स्ट आ जाएंगे जो मेजर हॉर्मोन्स होते हैं विच आर पेप्टाइड हॉर्मोन, प्रोटीनेशियस हॉर्मोन. बच गए सारे हॉर्मोन लाइक पिट्यूटरी के हॉर्मोन, हाइपोथैलेमस के हॉर्मोन, पेनक्रियास के हॉर्मोन. ये सब क्या आ जाएंगे बेटा? पेप्टाइड हॉर्मोन और द प्रोटीनेशियस हॉर्मोन, राइट? सो दोनों का तरीका, लिपिड इनसॉल्युबल और लिपिड सॉल्युबल का तरीका क्या है? अलग अलग है. एक ही पेज पे इसको करने की कोशिश करते हैं. सो लेट अस डिवाइड आवर पेज इनटू टू कैटेगरीज. सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर लिपिड सॉल्युबल की. किसकी बात करेंगे? लिपिड सॉल्युबल. ठीक है, तो हमने क्या करना है? हार्मोन एक मैसेंजर है बेटा, मैसेज लेकर आ रहा है. किसके पास लेकर आ रहा है? टारगेट के पास लेकर आ रहा है. टारगेट के पास कोई ना कोई रिसेप्टर होना चाहिए, चाहे वो रिसेप्टर बाहर हो चाहे वो रिसेप्टर अंदर हो. रिसेप्टर के साथ जब तक हार्मोन नहीं जुड़ेगा तब तक मैसेज वो नहीं पहुंचा पाएगा. तो अगर बात करें लिपिड सॉल्युबल की, तो ये जो लिपिड सॉल्युबल है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल. ठीक है, ये टारगेट सेल है, ये हमारी फॉस्फो लिपिड लेयर है, बाय लेयर है. ठीक है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है. तो जो हार्मोन लिपिड सॉल्युबल है वो लिपिड की लेयर में से तो क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? लिपिड, फॉस्फोलिपिड तो होती है. सो दिस हार्मोन विच इज बेसिकली प्राइमरी मैसेंजर, इट इज गोइंग टू क्रॉस द लिपिड बाइलेयर, है ना. अंदर जाकर साइटोप्लाज्म में उसको क्या मिलेगा? अपना रिसेप्टर मिलेगा. सो दिस इज गोइंग टू बी द रिसेप्टर ऑफ द हॉर्मोन. तो यहां पर रिसेप्टर उसको मिला कहां पर? रिसेप्टर उसको मिला साइटोप्लाज्म में. ये सारा क्या है आपका? साइटोप्लाज्म है. तो इस रिसेप्टर को क्या बोल देंगे जो साइटोप्लाज्म में मिला है? दिस इज कॉल्ड एज साइटोसोलिक रिसेप्टर. कैन वी कॉल दिस एज साइटोसोलिक, गाइस? दिस इज कॉल्ड एज साइटोसोलिक रिसेप्टर. ठीक है, जब हॉर्मोन अंदर आया, अंदर आने के बाद वो किसके साथ जुड़ गया? अपने रिसेप्टर के साथ जुड़ गया. रिसेप्टर के साथ जुड़ने के बाद उसने कॉम्प्लेक्स बनाया. द कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स. यस, साइटोप्लाज्म में उसने क्या बना लिया? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स. देन ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स मिलके किसके अंदर एंट्री मारेंगे? नाउ दे आर गोइंग टू एंटर इनटू द ब्रेन ऑफ द सेल. ब्रेन ऑफ द सेल कौन है? जिसके पास ऐसा डीएनए प्रस्तुत होता है, दैट इज बेसिकली न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस के अंदर बेटा ये सारा कॉम्प्लेक्स गया, रिसेप्टर भी गए, रिसेप्टर के साथ कौन ट्रैवल करके गए? हार्मोन भी गए. ठीक है,
अब हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स किसको इन्फ्लुएंस करेंगे? दे आर गोइंग टू इन्फ्लुएंस द जेनेटिक मटीरियल ऑफ द सेल, दे आर गोइंग टू इन्फ्लुएंस द डीएनए ऑफ द सेल. और अगर डीएनए इन्फ्लुएंस होगा तो क्या इन्फ्लुएंस होगा? आरएनए. आरएनए में चेंज आएगा तो किस में चेंज आएगा? प्रोटीन में, है ना. तो जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं वो इस तरीके से एक्शन शो करते हैं टारगेट सेल पर. टारगेट सेल के अंदर तक जाएंगे, अपने रिसेप्टर से जुड़ेंगे, न्यूक्लियस में जाकर डीएनए में जेनेटिक ऑल्टरेशन कर कर आते हैं. ये जितना भी रिस्पॉन्स है इसको टाइम लगता है बेटा, स्लो रिस्पॉन्स है, ठीक है, बट लॉन्ग लास्टिंग है. दिस इज स्लो रिस्पॉन्स बट लॉन्ग लास्टिंग, ठीक. हाँ जी, अब आते हैं दूसरी कैटेगरी पे. सेकेंड टाइप ऑफ हार्मोन्स, देवर लिपिड इनसॉल्युबल. देवर लिपिड इनसॉल्युबल, तो उसके बारे में बात करते हैं. लिपिड इनसॉल्युबल का भी कोई ना कोई क्या होगा? टारगेट सेल होगा. टारगेट सेल की बेटा क्या प्रेजेंट होगी? फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी. लेकिन हार्मोन तो क्या है? हार्मोन तो क्या है बेटा? लिपिड इनसॉल्युबल. तो यार ये क्या फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर में से, ये फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर है, ये लिपिड इनसॉल्युबल है बेटा. इसको कोई लेना देना नहीं है कि सामने लिपिड है या कोई और है. भाई ये तो अंदर क्रॉस करके नहीं जा पाएगा क्योंकि ये जाने नहीं देंगे, रिश्तेदार थोड़ा है. यहाँ तो रिश्तेदारी आ गई थी कि लिपिड, लिपिड की बाई लेयर थी, सामने लिपिड आ गया तो भाई उसने अंदर घुसा लिया. यहाँ पर दे आर नॉट गोइंग टू अलाउ दिस हार्मोन टू एंटर इनटू द सेल. दैट मीन्स इसका रिसेप्टर कहाँ पर प्रेजेंट होगा? इसका रिसेप्टर बेटा मेम्ब्रेन में ही प्रेजेंट होगा. यस, सो हियर द रिसेप्टर इज एक्चुअली मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर. कैसा है? मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, ठीक है. तो हार्मोन आया, अंदर तो नहीं जा पाया, कहां पर इसने कॉम्प्लेक्स बना लिया? इसने कॉम्प्लेक्स बना लिया इस मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर के साथ. यस, अब जैसे ही हार्मोन इस मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से जुड़ेगा, यहां पर लगा होता है एक जी प्रोटीन. क्या लगा होता है? जी प्रोटीन. जी प्रोटीन इज गोइंग टू गेट एक्टिवेटेड. जैसे जी प्रोटीन एक्टिव होगा बेटा, एक एंजाइम एक्टिव हो जाएगा जो मेम्ब्रेन में ही प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज एडीनाइलाइन साइक्लेज, ठीक है. ये एडीनाइलाइन साइक्लेज क्या करेगा? दिस इज गोइंग टू हेल्प इन द कन्वर्जन ऑफ एटीपी. जो सेल में एटीपी है उससे तोड़ के क्या बन जाएगा? साइक्लिक एएमपी, है ना. एडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट से क्या बन जाएगा? मोनोफॉस्फेट. साथ ही में क्या निकलेंगे? टू इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स, है ना, क्योंकि दो अलग हो चुके हैं, एक अलग हो गया. ये जो साइक्लिक एएमपी यहां पर बना है, दिस साइक्लिक एएमपी इज गोइंग टू एक्ट एज द सेकेंडरी मैसेंजर. किसका काम करेगा ये? सेकेंडरी मैसेंजर. यहां पर जरूरत क्यों पड़ी? यहां क्यों नहीं लेके आए सेकेंडरी मैसेंजर? क्योंकि बेटा हार्मोन डायरेक्ट अपना काम डीएनए से करा रहा है. यहां पर हार्मोन की एंट्री नहीं है. हार्मोन हैज टू क्रिएट समवन जो उसका काम कर पाए. तो हार्मोन ने क्या क्रिएट किया इतनी बड़ी चेन रिएक्शन से? सेकेंडरी मैसेंजर. देन दिस सेकेंडरी मैसेंजर इज गोइंग टू परफॉर्म द नेक्स्ट प्रोसेस, दैट ये नेक्स्ट एंजाइम है प्रोटीन काइनेज, जो कि इनएक्टिव है. ये साइक्लिक एएमपी की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा? एक्टिव. और जैसे ही प्रोटीन काइनेज एक्टिव होगा, जो भी इनको बायोकेमिकल रिस्पॉन्स जनरेट करवाना है, है ना, जो भी इनको रिएक्शन करानी है, जो भी जनरेट कराना है टारगेट सेल से, वो करा देंगे. सो बेसिक डिफरेंसेस कि जो लिपिड इनसॉल्युबल है वो सेकेंडरी मैसेंजर के द्वारा काम करते हैं. उनका उनका रिसेप्टर बाहर ही प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, वो अंदर नहीं आ सकते हैं, ठीक है. ये बात सबको समझ आई? ये जो प्रोसेस हमने किया है जिसमें सेकेंडरी मैसेंजर बन जा रहा है, ये कंपैरेटिवली क्या है? फास्ट प्रोसेस है. ये स्लो था, ये वाला प्रोसेस क्या है आपका? फास्ट है, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट लिव्ड है. बारी बारी ये काम हमें कराना पड़ता है. फास्ट एंड द शॉर्ट लिव प्रोसेस, ये दोनों तरीके हैं. अब यहां पे जब आपने ध्यान दिया, जी प्रोटीन ने एडीनाइलाइल साइक्लेज, एडीनाइलाइल साइक्लेज ने साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक एएमपी ने प्रोटीन काइनेज को एक्टिव किया. मतलब एक स्टेप में रिएक्शन चल रही है. एक दूसरे को एक्टिव कर रहा है, दूसरा तीसरे को एक्टिव कर रहा है, तीसरा चौथे को एक्टिव कर रहा है. क्या आपको ऐसे नहीं लग रहा कि इट इज लाइक अ वाटरफॉल? यस, लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि वाटरफॉल की तरह? वन इज एक्टिवेटिंग अनदर, देन सेकंड इज एक्टिवेटिंग थर्ड. सो दिस रिएक्शन हियर इज कॉल्ड एज कैस्केड रिएक्शन. कैस्केड का क्या मतलब होता है? वाटरफॉल ही होता है. जब एक दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को एक्टिव करता है, वन थिंग. और जब ये एक्टिव कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि अगर एक था तो आगे सिंगल ही बनेगा. नो, एक से दो, दो से चार, चार से छह. सो हियर देयर इज, जैसे
अगर एक एडिनाइलिन साइक्लिस है तो बहुत सारे साइक्लिक एएमपी बनेंगे, अगर 100 साइक्लिक एएमपी है तो मेरे पास 10,000 प्रोटीन काइनेज एक्टिव होंगे. सो एट एवरी स्टेप द नंबर ऑफ द प्रोडक्ट्स दे आर इंक्रीजिंग. दैट मीन्स हियर द रिएक्शन इज शोइंग एम्प्लीफिकेशन. क्या शो कर रहा है रिएक्शन? एम्प्लीफिकेशन. एम्प्लीफिकेशन का मतलब समझते हो, बढ़ा देना. हर स्टेप पे द नंबर ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग, राइट? सो ये है आपका हार्मोनल एक्शन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनल एक्शन. लिपिड सॉल्युबल भी कर लिए, लिपिड इनसॉल्युबल भी कर लिए. वहां पर किसका यूज हो रहा है? सेकेंडरी मैसेंजर का. सेकेंडरी मैसेंजर बहुत सारे तरीके के होते हैं. मैंने आपको एक लिखवाया है साइक्लिक एएमपी, वैसे ही होता है साइक्लिक जीएमपी, वैसे ही होता है कैल्शियम आयन, वैसे ही होता है बेटा फॉस्फो आइनोसिटॉल डाइफॉस्फेट, वैसे ही होता है ट्राइफॉस्फेट, देन होता है डाइसाइल ग्लिसराइल. सो इस तरीके से बहुत सारे आपके सेकेंडरी मैसेंजर हैं जो काम करते हैं किनके लिए? लिपिड इनसॉल्युबल हॉर्मोन्स के लिए. अगर आपको ऐसे एक्शन, ऐसे सेशंस पसंद आते हो तो डेफिनेटली बेटा लाइक किया करो, शेयर किया करो. प्लस में भी मेरे साथ जुड़ सकते हो. 3 batches आर रनिंग, 2 batches ऑफ संजीवनी एंड 1 batch ऑफ विजयभव. और भी बहुत सारे बैचेस हैं लाइक ऑल स्टार बैच एंड क्रैश कोर्स, परीक्षा बैच, समर्पण बैच. सो इन सब बैचेस में आप एनरोल कर सकते हो. और अभी बेस्ट टाइम है क्योंकि ऑफर चल रहा है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में, जिसमें आप अगर 30th of June तक लेते हो तो आपको हार्ड कॉपी मिलती है नोट्स की, राइट? साथ ही में नीट यूजी के साथ अगर आप सीबीएसई का कॉम्बिनेशन बनाते हो तो देन अगेन ह्यूज डिस्काउंट्स दैट यू आर गोइंग टू गेट. अगर आप अकेले नीट का लेते हो 3 महीने का तो 1 month आपको साथ में मिलेगा, 12 month का लेते हो तो 2 months मिलेगा, एंड 24 months का लेते हो तो 3 months का भी मिलेगा, ठीक है? तो ये आपकी पर मंथ कॉस्ट है फॉर प्लस एज वेल एज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. आप देखेंगे कि जो पर मंथ कॉस्ट है वो धीरे धीरे जितना बड़ा कोर्स होगा उतनी ही कम होती जाएगी. तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, मुझसे पूछेंगे तो बेस्ट टाइप की सब्सक्रिप्शन होती है आइकॉनिक. वाई आइकॉनिक? बिकॉज यहाँ पर आपको मिलता है एक पर्सनल कोच, एक स्टडी प्लानर, जो आपको यहाँ नहीं मिलता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और साथ ही में अगर आप 30th of June तक आइकॉनिक लोगे तो आपको प्रिंटेड मटेरियल भी मिलेगा, ठीक है? पीडीएफ जो मिलती है बच्चों को, आपको प्रिंटेड फॉर्म में आपके डोर स्टेप तक मिलने वाली है. कोड अगर आप यूज करोगे सीप लाइफ तो बेटा ऑफर्स तो आपके सारे लगेंगे ही लगेंगे, जितने भी मैंने बताए. साथ ही में आप मैम की आ जाएंगे पर्सनल गाइडेंस में, पीडीएफ सारे चैप्टर की, डीपीवी एंड डेली डाउट सॉल्विंग, ठीक है? और मैम के मिलते हैं हैंड रिटन नोट्स. तो मिलेंगे बेटा अब हम अगले सेशन में 9:00 PM, जिसमें हमने डिस्कस करना है ओजेनेसिस. तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर एंड बाय बाय.